Good morning, sweet children. How are you? I hope you all are healthy and happy. You are doing very good work. Keep it up. Let us start our day by remembering the God. All of you, join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart. I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live. Today we will do part 2 of this chapter. और हमने previous video में इस chapter में क्या किया था? बताइए, याद कीजिए. Yes, आपने force के बारे में समझा था कि force क्या होती है. Force क्या है? Force is a pull or push on an object. और अब हम आज इस video में क्या करने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स की कितनी काइंड्स है और हम वर्क के बारे में भी समझेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? सो ओपन योर बुक पेज 137. बी रेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक्स. स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स. फोर्स कई तरह से हम लगा सकते हैं और उसके कई टाइप्स हैं. मस्कुलर फोर्स, MUSCULARFORCE. मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स मतलब जो फोर्स हम अपनी बॉडी से अपने मसल्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITATIONAL. ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन क्या होता है? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, किसी को अपनी तरफ पुल करना, दैट इज ग्रेविटी. फ्रिक्शनल फोर्स, FRICTIONAL. फ्रिक्शनल फोर्स भी एक तरह की फोर्स होती है जो दो सर्फेसेस के आपस में रब करने से प्रोड्यूस होती है. तो चलो अब हम इन फोर्स के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं. मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होती है? वो शक्ति जो हम अपनी बॉडी से अप्लाई करते हैं. हमारी बॉडी में मसल्स होती है ना, जैसे ये हमारी बाजू में यहाँ मसल्स हैं, लेग्स में, हमारे थाइज में, ये सभी हमारी मसल्स होती हैं जो हमें कोई भी काम करने में हेल्प करती हैं. आपने, जैसे आप नहाते हो, आपने मग को फिल किया है वाटर से और उसको अपने ऊपर डाला है, तो उस समय हमारे आर्म की जो मसल्स हैं वो काम कर रही है. आप प्ले कर रहे हो कोई भी गेम, जैसे जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप किक मारते हो बॉल को, तो उस समय जब किक आपने किया था बॉल को, तो उस समय भी आपकी जो लेग्स के अंदर मसल्स हैं उन्होंने वर्कआउट किया है और उसी की हेल्प से आपने बॉल को हिट किया है. सो वी यूज मस्कुलर फोर्स व्हेन वी पुश अ बॉल. बहुत सारे काम हम मसल्स की हेल्प से करते हैं. हिट द बॉल विद अ बैट, अ
अगर आप बैटिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल को फेंक रहे हो, तो ये सारे कामों में हमारी बॉडी की मसल्स एक्टिवेट होती हैं और हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी तो हम कोई भी गेम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। किक करना, बॉल को हिट करना, एंड इवन इन डेली वर्क यू डू सो मैनी थिंग्स लाइक जब आप स्कूल आते हो, आप अपना स्कूल बैग हैंग करते हो, तो आपकी बॉडी के मसल्स उसको हैंग करने में हेल्प करती हैं। अब देखो, ये मैं नीचे इसको मैंने क्या किया है, पुल किया है, खींचा है, तो यहाँ पर भी मुझे किसने हेल्प की है, मेरी बाजू की मसल्स ने। तो आप समझ आते हैं कि मस्कुलर फोर्स भी हमें हेल्प करती है काम को करने में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक तरह की फोर्स है, ग्रेविटी के कारण जो प्रोड्यूस होती है। द फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। कि हमारी अर्थ में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो चीजों को अपनी तरफ एक्सर्ट करती है, खींचती है, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखो, अब हम इसे एक एग्जांपल से करते हैं। ये मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर उछालेंगे तो आप बताओ बेटे ये कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली आप कहोगे कि मैम ये तो नीचे की तरफ आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ऊपर से, ये देखो मैंने इसको ऊपर उछाला और ये नीचे आ गया। कोई भी चीज जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं अर्थ में, कितने ऊपर तक फेंको, वो वापसी में धरती पर ही आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है उस चीज को अपनी तरफ खींचती है। मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, यस, आपके घर में आपका फर्नीचर रखा है, कोई भी चीज आप जहां रखते हो वो वहीं पर आपको मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है उसको, और वो चीज अपनी जगह पर ही रखी हुई है। लेट अस डू वन एक्टिविटी टू प्रूव दैट आवर अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर आप बॉल ले सकते हो इसे करने के लिए, या फिर आप फुटबॉल भी यूज कर सकते हो, और देखते हैं कि फाइनली क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये देखो मेरे पास क्या है, ये फुटबॉल है, और अब मैं इस फुटबॉल को ऊपर की तरफ फेंकने जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यस, आई एम थ्रोइंग इट अप, और क्या हुआ, ये दोबारा से नीचे आ गई। मैं फिर से इसको थ्रो कर रही हूँ ऊपर, अगेन इट इज कमिंग बैक। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कोई भी चीज जो हम ऊपर फेंकते हैं, फाइनली इट कम्स डाउन, वो धरती की तरफ आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है, एक फोर्स है, एक शक्ति है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हो ना आप, तो ये कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ये सबको मालूम है। तो ये हमारे चारों तरफ क्या है, एक लेयर ऑफ एयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस हैं, और इस इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ। तो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो किसके कारण है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन गैसेस को अपनी तरफ खींचा हुआ है, और इसीलिए ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अगर हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो ये लेयर ऑफ गैसेस भी नहीं होती। जो गैसेस हैं, कॉम्बिनेशन है गैसेस का, वो भी पॉसिबल नहीं होता। और एक चीज और मालूम है, हमारी अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है?
बताओ मुझे, सन के चारों तरफ, एंड इट इज मूविंग ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ, और इसका जो घूमने का पाथ है वो क्या है, फिक्स है, अपने ऑर्बिट में घूम रही है, और ऑर्बिट में जब ये घूमती है तो इसकी कोई भी दिशा चेंज नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सन के अंदर ग्रेविटी है, और सन की ग्रेविटी के कारण अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही कारण है कि सभी चीजें जो हमारी अर्थ के ऊपर हैं वो ग्रेविटी के कारण ही रुकती हैं। आपने ओशन देखा है, समुद्र का पानी देखा है, नहीं देखा है तो रिवर का पानी तो देखा होगा, या आप अपने घर में ही देखो, आपकी जो बकेट है उसके अंदर भी वाटर है। अगर आप पानी को ऊपर की तरफ उछालो वो नीचे आ जाता है, या हमारे कंटेनर में भरा हुआ पानी उस कंटेनर से बाहर क्यों नहीं ऊपर जाता, वो उसी के अंदर रहता है। ओशन का पानी ओशन से बाहर क्यों नहीं निकलता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी ने उस वाटर को उस जगह पर रोका हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहले आप फ्रिक्शन का मीनिंग समझिए। फ्रिक्शन क्या है? द एक्शन ऑफ वन सरफेस और ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट एनदर, दो चीजों का या दो सर्फेसिस का आपस में रगड़ खाना। जैसे ये मेरे हैंड्स देखो, ये मैं हैंड्स को रब कर रही हूँ, ये क्या है? फ्रिक्शन हो रहा है। यस, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चलती हुई चीजें हैं उनमें हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो जिस सर्फेस के टच में आती है। आपने देखा है, आप कोई भी अपना टॉय चला रहे हैं, कोई जीप है, कार है, खेल रहे हो आप उसे जब पुश करते हो, आपने अपनी फोर्स लगाई, मस्कुलर फोर्स लगाई, और थोड़ी दूर जाके वो कार आपकी रुक जाती है। क्यों रुक रही है? किस फोर्स ने उसको रोका? यस, वो फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को रोक दिया है, क्योंकि जो ग्राउंड का सरफेस है और जो टायर का सरफेस है आपस में वो रब होने से क्या प्रोड्यूस हुई? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, और उसने मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया। लेट अस नो फ्रिक्शनल फोर्स बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। तो पेज 138 पर ये एक्टिविटी दी हुई है, तो हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, और इसके लिए रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड एंड ऑब्जर्व इट, हाउ लॉन्ग डज इट कीप ऑन रोलिंग। बच्चों तो देखो, अब मैंने इस एक्टिविटी के लिए क्या ली है? फुटबॉल ली है। अब हम इस फुटबॉल को मूव करते हैं किक लगा के, देखो क्या होता है। अब हमने इसको किक लगाई तो देखो ये इतनी दूर तो आई है पर ये रुक गई है। अगेन आई एम गोइंग टू किक इट बट इट इज अगेन स्टॉपिंग। बेटा ये क्यों रुक रही है बार बार? यस, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ये बॉल रुक रही है। जब भी दो सरफेस आपस में रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो स्पीड को वो रोकता है, मूवमेंट को वो रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क हिंदी में आप जिसे काम कहते हैं, काम करना। अब काम कब होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, इट मींस वी हैव डन द वर्क। कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका प्लेस चेंज होता है, इट मींस वी हैव डन द वर्क। तो उसका मतलब है वर्क हो रहा है। जैसे अब ये मेरे हाथ में बुक है,
ये बंद है, मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर मैं इस बुक को ओपन करती हूँ, इसके पेजेस को टर्न करती हूँ हैंड से फोर्स लगा के, तो पेजेस में बुक में मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे ये टर्म क्या है, ये वर्क को कंसीडर करता है कि हमारा काम हो रहा है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द वर्क डन। अब हम इस एक्टिविटी से देखते हैं कि किस सिचुएशन में काम होता है और किस सिचुएशन में काम नहीं होता। स्टूडेंट्स, अब देखो मैं इस सीट को पुश कर रही हूँ, दिख रहे हैं? पुश करने से क्या हो रहा है, ये सीट मूव हो रही है। और अगर हम फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाई है और ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होती है, तो इट मींस वर्क हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड देयर इज मूवमेंट, इट मींस वर्क इज डन। अब देखो मैं उतनी ही फोर्स से, जितनी फोर्स मैंने टेबल के ऊपर लगाई थी, उतनी ही फोर्स लगा के इस एलमीरा को भी पुश कर रही हूँ, उतनी ही फोर्स है, इक्वल फोर्स आई एम पुटिंग ऑन द एलमीरा, आई एम अप्लाइंग ऑन द एलमीरा, बट देयर इज नो मूवमेंट इन एलमीरा। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है पर एलमीरा में कोई मूवमेंट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ पेज 137। तो हमने जो भी समझा है अब हम उसकी रीडिंग करते हैं। हेडिंग देखिए, काइंड्स ऑफ फोर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अस, सम ऑफ देम आर मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन वी पुश अ डोर, हिट द बॉल विद अ बैट और किक द बॉल, वी यूज द मस्कुलर फोर्स। कि जब हम ये सभी काम करते हैं तो हम अपनी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, आप एक्टिविटी में ये देख चुके हो। व्हेनेवर समथिंग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्लैब्स, टेबल्स और फ्रॉम आवर हैंड्स, इट ऑलवेज फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल्स देम डाउन। कि कोई भी चीज जब गिरती है कहीं से तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है, क्यों आती है, क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। दिस फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। द एटमोस्फियर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द वॉटर फ्रॉम द ओशंस डज नॉट स्पिल आउट इन द स्पेस। स्पिल आउट क्या होता है, उछल के बाहर निकलना स्पेस की तरफ। क्या कभी हमारे समुद्र का पानी गया है, नहीं गया है, क्यों नहीं गया है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको रोका हुआ है, खींचा हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स। वर्क, अब हम वर्क के बारे में रीड करते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, इट मीन्स वी हैव डन द वर्क। व्हेन यू अप्लाइड फोर्स ऑन द टेबल मूव्ड एंड द वर्क वाज
डन। तो एक्टिविटी में आपने देखा था जब टेबल मूव किया था, फोर्स लगाई थी, तो उससे क्या हुआ था, टेबल मूव हुआ था। व्हेन यू अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन द कपबोर्ड इट डिडंट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड वॉज नॉट इनफ, हेंस नो वर्क वॉज डन इन दिस केस। पर अलमीरा के ऊपर जब फोर्स लगाई उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई तो वहां पे वर्क नहीं हुआ। स्टूडेंट्स लेट अस डू रिवीजन वर्कशीट ऑफ लेसन 17। आपको लेसन 17 अच्छे से लर्न हो गया है क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही होमवर्क में सेंड किया है। तो चलो अब चेक करते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना लर्न हुआ है। क्वेश्चन ये देखो, सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द बर्ड विच इज एक्टिव ओनली एट नाइट, कि कौन सा बर्ड केवल नाइट में एक्टिव होता है, कुकू आउल और स्पैरो। नंबर टू, दिस एनिमल डज नॉट हैव लेग्स, इस एनिमल की लेग्स नहीं होती, कौन सा एनिमल है वो, स्नेक पैरेट या फिर डॉग, सोचो और फिर टिक करोगे। वी मेक अ स्टेबल फॉर, स्टेबल एक तरह का हाउस है एनिमल का, तो हम स्टेबल किस एनिमल के लिए बनाते हैं, हैन डॉग और हॉर्स। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन बॉक्स, आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो वर्ड्स हैं इनके हेल्प से आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। अ स्पाइडर लिव्स इन अ डैश मेड बाय इटसेल्फ, कि स्पाइडर उसमें रहती है जो अपने आप बनाती है, तो स्पाइडर क्या बनाती है, अ सेंटीपीड हैज मैनी डैश, सेंटीपीड की क्या होती हैं बहुत सारी, सोचो। डक इज एन डैश एनिमल, डक कौन सा एनिमल है। क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं समझ के। पेंगुइन्स मेक नेस्ट्स ऑन ग्राउंड, कि पेंगुइन्स अपना जो नेस्ट वो ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं। बर्ड्स डू नॉट बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज एंड बुशेस, कि बर्ड्स अपने घर ट्रीज पे और बुशेस में नहीं बनाते। नंबर थ्री, एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वॉटर, कि वह एक्वेटिक एनिमल्स क्या वॉटर में रहते हैं। एंड पैरेट इज अ बर्ड विच स्यूज इट्स नेस्ट, कि क्या पैरेट वो बर्ड है जो अपने नेस्ट को स्यू करता है। स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड आल्सो इट इज अ विंटर सीजन यू नो वेरी वेल, तो आपको बच्चों अच्छे से अपने आप को कवर करके रखना है, ठंड से बचाना है और इम्यूनिटी बूस्टर भी साथ साथ लेनी है, हेल्दी ड्रिंक्स लेनी है जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।